आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी। कहानी का शीर्षक है शांत संगीत, बगदाद से एक कहानी। ओरिजिनल स्टोरी साइलेंट म्यूजिक, अ स्टोरी ऑफ बगदाद। लेखक है जेम्स रूमफर्ड और हिंदी में अनुवाद विदुषक। कहानी का स्रोत arvindguptatoys.com। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com। तो चलो शुरू करते हैं शांत संगीत। मेरा नाम अली है और मैं बगदाद में रहता हूँ। मुझे धूल भरी सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मुझे बहुत जोर का तेज आवाज़ वाला संगीत पसंद है। मुझे नाचना भी अच्छा लगता है, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कैलीग्राफी। मेरी भाषा अरबी कैलीग्राफी में लिखी जाती है। अरबी कागज़ पर दाएं से बाएं लिखी जाती है। मुझे स्याही वाले कलम से लिखने में मज़ा आता है। कलम को स्याही में बार बार डुबोना पड़ता है। कलम मेरे दिमाग में चल रहे संगीत की धुन पर चलती है, कुलांचे मारती है और नाचती है। लंबा वाक्य लिखना कुछ कुछ फुटबॉल के खेल को स्लो मोशन में देखने जैसा होता है, जिसमें गेंद मैदान के एक से दूसरे कोने तक लहराती हुई जाती है। बिल्कुल उसी तरह अरबी लिखते समय मैं भी अपने पीछे बिंदियों और छल्लों का एक जखीरा छोड़ता जाता हूँ। कुछ शब्दों को अन्य की तुलना में लिखना आसान होता है। कुछ शब्दों के अक्षर एक दूसरे में जुड़कर बड़े खूबसूरत आकार बनाते हैं। मिसाल के लिए मेरी बहन यस्मीन का नाम। बहन का नाम लिखते वक्त मेरी कलम कागज पर बस तैरती चली जाती है। ये है मेरी बहन का नाम यस्मीन। कुछ शब्दों को लिखना बहुत कठिन होता है। कुछ में तमाम छल्ले होते हैं तो कुछ में ऊंची ऊंची मीनारें होती है। कुछ शब्दों में बिंदियों की भरमार होती है। मैं कठिन शब्दों को बार बार लिखकर उनका अभ्यास करता हूँ। जैसे मेरे दादाजी का नाम मुस्तफ़ा, मैं उसे कई मर्तबा लिखता हूँ। माँ अक्सर मजाक में मुझे याकूत बुलाती है। याकूत पूरी दुनिया भर में कैलीग्राफी के महान उस्ताद थे। वो 800 साल पहले बगदाद में रहते थे। वो रोज़ाना कैलीग्राफी का अभ्यास करते थे। उन्होंने अक्षर लिखने के नए डिज़ाइन और तरीके खोजे। वो वाकई में बहुत काबिल थे। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर याकूत वाकई में मेरे हीरो है। कारण? क्योंकि वो इतनी सुंदर कैलीग्राफी कर सकते थे। अक्सर लोग याकूत की ये कहानी सुनाते हैं। साल 1258 में एक खौफनाक दिन मंगोल लोगों ने बगदाद पर आक्रमण किया। जब मंगोल पूरे शहर को जला रहे थे और सैकड़ों हजारों लोगों को कत्ल कर रहे थे, तब याकूत बचने के लिए एक ऊंची मीनार पर चढ़ गए। वहां पर बैठकर याकूत ने एक अनूठी सुंदरता रची। उस खौफनाक माहौल को पीछे छोड़कर उन्होंने बेहद कारीगरी और खूबसूरती से कैलीग्राफी रची। 2003 में मेरे शहर बगदाद में एक रात बम और मिसाइलें बरसी। तब एक बार फिर से सड़कों पर मौत और तबाही का तांडव नाचा। तब मैंने भी याकूत जैसे ही कैलीग्राफी रची। उस रात और उसके बाद जब तक बम बरसते रहे, मैं हर रात कैलीग्राफी करता रहा।
मेरा कमरा कैलीग्राफी के पन्नों से भर गया। तब जाकर मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिला। अब रात को बम गिरना बंद हो गए हैं, पर अब एक नए तरीके का युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए मैं अभी भी लगातार लिखता हूँ, कभी सरल शब्द और कभी कठिन शब्द। कितना मज़ा आता है जब मेरी कलम कागज़ पर तैरती है और मैं हर्ब शब्द, हर्ब माने के युद्ध, हर्ब शब्द लिखता हूँ। इस शब्द को लिखते वक्त मुझे कई हुक बनाने पड़ते हैं। और जब मैं सलाम यानी कि शांति लिखता हूँ तो मेरी कलम लड़खड़ाती है और समंदर में पानी की तरंगों जैसी हिलती है। इससे पहले कि शब्द मेरी कलम से आसानी से बहे, मुझे बहुत अभ्यास और मेहनत करनी पड़ती है। लेखक का नोट। कैलीग्राफी या अक्षर चित्र बनाने की कला इस्लामिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। मुस्लिम लोग अपनी पवित्र पुस्तक कुरान को अत्यधिक सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। वो कैलीग्राफी से अपनी मस्जिदों और पवित्र स्थानों को सजाते हैं। अरबी कैलीग्राफी शायद इसलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि उसमें बहुत से अक्षर आपस में जुड़कर कोई शब्द बनाते हैं। इस वजह से अक्षर कागज़ पर जादुई तरीके से तैरते हुए नज़र आते हैं। अरबी लिपि के छल्ले, बिंदिया और मीनारे इस सुंदरता को और निखारती है, इसलिए अरबी की लिखाई किसी संगीत के पन्ने जैसी दिखती है। पुस्तक में जिस कैलीग्राफर याकूत का जिक्र है, उनका पूरा नाम था याकूत अल मुस्तासिमी। उनका जन्म 1221 के आसपास इथियोपिया या फिर तुर्की में हुआ था और उनकी मृत्यु 1298 में बगदाद शहर में हुई। उनके जीवन के बारे में कुछ कहानियाँ मशहूर है, जैसे बगदाद के भयानक हमले में वो मीनार में जा छिपे। पर इन छोटी जानकारियों के अलावा दुनिया के सबसे मशहूर कैलीग्राफर की ज़िंदगी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। याकूत की कैलीग्राफी के कुछ नमूने लोगों ने आज भी बहुत प्यार से संजो कर रखे हैं। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ, तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।